एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम फलादेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम आपको ये कुंडली दिखा रहे हैं जिसमें कि 7 नंबर का जो लग्न है तुला लग्न है, दूसरे भाव में शनि है, तीसरे में चौथे में केतु, छठे में चंद्रमा, दसवें भाव में शुक्र और राहु, और 11वें भाव में सूर्य, बुध, मंगल, 12वें भाव में बृहस्पति। तो हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी ग्रह अगर वो अस्त हो जाता है तो अस्त ग्रह की दशा अशुभ फल प्रदान करेगी। अब इसमें देखिए, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ सूर्य के साथ में बुध और मंगल दो ग्रह बैठे हैं। सूर्य के साथ बुध अस्त है और मंगल अस्त है। बुध के जो सूर्य से 14 अंश के अंदर जो रहेगा तो वो अस्त माना जाएगा। मंगल 17 अंश के अंदर रहेगा तो अस्त मानते हैं। तो आप देखिए कि सूर्य के मान लो डिग्री 20 डिग्री है और मंगल की 10 डिग्री है। तो सूर्य से मंगल की डिग्री ज़्यादा होने से मंगल जो अस्त हो गया, ऐसे ही सूर्य की डिग्री ज़्यादा है और बुध की कम है तो वो अस्त माना जाएगा। अस्त ग्रह का हमने यहाँ लिख के बताया है कि मंगल सूर्य से 17 अंश के अंदर अस्त होता है और बुध सूर्य से 14 अंश के अंदर अस्त होता है। तो ये सूर्य से अस्त है यहाँ पे। तो आप जब इनका फलादेश करेंगे, जब इनकी दशा है, मान लो जब इस लगने के लिए मंगल की दशा चलेगी तो वो आपको अशुभ फल प्रदान करेगी, और बुध की दशा चलेगी तो वो भी अशुभ फल प्रदान करेगी। यहाँ मंगल के पास जो डिपार्टमेंट है, देखिए 1 नंबर जो शादी के विवाह का सुख का विवाह के डिपार्टमेंट की सप्तम भाव की दशा दशा का मालिक है वो, और एक है धन भाव के दशा का मालिक है। तो जब भी मंगल की दशा चलेगी, अस्त ग्रह की दशा चलेगी क्योंकि सूर्य से अस्त है, तो हमें धन प्राप्ति में बाधाएं आएंगी तथा शादी में भी हमें बाधाएं आएंगी। इसी तरह से हम बुध ग्रह को देखेंगे। बुध ग्रह यहाँ पे इस कुंड लग्न में खर्च का मालिक है और भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक और खर्च का मालिक होके बुध अस्त हो गया सूर्य से, तो हमें जो भी भाग्य में अड़चने आएंगी तथा खर्च भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस तरह से फलादेश में आपने जाना कि जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाते हैं और जब उनकी दशाएं आपकी कुंडली में भी देखी कि हमने अस्त ग्रहों के बारे में आपको बताया कितने डिग्री में अस्त हो जाते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में भी सूर्य से अस्त हो रहे हैं तो जब उनकी दशा अंतर दशा चलेगी तो आपको उसके जो फल मिलना चाहिए थे वो प्राप्त नहीं होंगे। इस तरह आप, और ऐसे ही वक्री ग्रह की भी मान लो दशाएं चलती है, कोई ग्रह मान लो वक्री है और उसकी दशा अंतर दशा चलेगी तब भी आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होगी। 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा भी अच्छे फल नहीं देती। मान लो ये छठे भाव के स्वामी जो है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ 8वें भाव का स्वामी है शुक्र है, तथा 12वें भाव का स्वामी बुध है। जब इनकी भी दशाएं चलती है तो वो भी हमें जो भाव से कनेक्शन है उस प्रकार के आपको प्रॉब्लम देगी। ये त्रिक भाव है, त्रिक भावों की जब दशाएं अंतर दशाएं चलेगी तो हमको उसका अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। नीच और शत्रु ग्रह की दशा, अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है और जैसे हमने बताया नीच ग्रहों की दशा अंतर दशा चले तो भी जातक को
अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे और उसकी दशा अंतर दशा में आपको प्रदेश निवास करना पड़ेगा, शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, व्यापार में भी हानि हो सकती है, मुकद्दमे में भी हार हो सकती है। तो जब भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह जो नीच के हो जाते हैं और देख सकते हैं आप कि सूर्य मेष में नीच का होता है, चंद्रमा वृषभ में नीच का नहीं सूर्य तुला में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है, मंगल कर्क में नीच का होता है, तो अगर आपके नीच ग्रह की अगर दशा चलेगी तो आपको विदेश में आप जहाँ जो स्थान रहते हैं उसको छोड़ के कहीं और आपका काम धंधा चालू हो जाएगा। आपका जो शत्रु हैं उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। मुग्ध में अगर चल रहे हैं और नीच ग्रह की दशा आ जाए आपकी कुंडली में तो वो भी आपको हार का सामना मुग्ध में करना पड़ सकता है। तो इस तरह राहु केतु भी यदि कुंडली में दूसरे तीसरे छठे ग्यारह भावों में ना होकर उनकी दशा अंतर दशा चलती है तो वो भी अशुभता प्रदान करते हैं। हमने बताया कि राहु तीसरे छठे और ग्यारह भाव में राहु अच्छा फल देता है, परंतु तो अगर राहु अभी जैसे यहाँ दशम भाव में बैठ गया है तो आपको वो अच्छे फल नहीं देगा और इसकी दशा में आपको जो कर्म भाव में बैठा था कर्म के से रिलेटेड नौकरी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह आपने जाना कि अस्त ग्रहों के कारण हमें क्या परेशानियां हो सकती है, नीच ग्रहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तथा ये भी दिखाया कि राहु की जो स्थिति बनती है जो तीसरे और छठे और ग्यारह भाव में उसकी अच्छी स्थिति बनती है, परंतु यही राहु और केतु की अगर स्थिति दूसरे तीसरे या और दूसरी जगह हो जैसे यहाँ दशम भाव में है तो वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। आपको मेरे से परामर्श लेना है तो कृपा करके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मामूली से दक्षिणा दे रहेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी जानकारी दीजिए, तथा आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।